नमस्कार दोस्तों, राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार थे। जितनी लगातार हिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी, उतनी आज तक कोई भी नहीं दे पाया। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो स्टार थे जो जिस मूवी पर हाथ रख दे वो हिट हो जाती थी। राजेश खन्ना ने उस समय ही बेहतरीन अदाकारा डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। डिंपल कपाड़िया से शादी करने के बाद उनकी दो बेटियां हुई, एक ट्विंकल खन्ना और दूसरी रिंकी खन्ना। उनकी दोनों ही बेटियां बॉलीवुड में उतरी, जिनमें से एक थी ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने बहुत सारी फिल्में की, जैसे कि जब प्यार किसी से होता है, बरसात, मेला, जान, बादशाह, जुल्मी और जोरू का गुलाम, जिनमें से कुछ फिल्में चली और कुछ नहीं चली, लेकिन वो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। और साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार से शादी की और एक्टिंग करियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद अब वो राइटर बन गई हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से अगर मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊं तो उनमें से मिसेस फनी बॉन्स, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद आदि बहुत सारी बुक थी, जिसमें कि जो तीन बुक्स थी वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जो कि वर्ल्ड वाइड रीडर्स द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद की गई। और ट्विंकल को उनकी राइटिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब अगर हम बात करें रिंकी खन्ना की, तो वो ट्विंकल के कंपैरिजन में दर्शकों में ज्यादा नाम नहीं कमा पाई और वो मूवीज में कुछ खास नहीं चली। उन्होंने जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है, ये है जलवा, प्यार में कभी कभी जैसी मूवीज में काम किया। अब वो इंडस्ट्री में पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। राजेश खन्ना ने बहुत सारी बड़ी मूवीज की थी और वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए, लेकिन वहीं उनकी बेटियां फिल्मों में इतनी ज्यादा नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपनी असल जिंदगी में बहुत ज्यादा नाम कमाया, बहुत ज्यादा पहचान कमाई और अपने पिता का नाम ऊंचा भी किया। हमारे ये स्पेशल पिता और बेटी की पेशकश आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाकर हमारी टूडेज ऐप को डाउनलोड जरूर करें।